हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट बायो। आज के इस वीडियो में अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले ईसीसी की जर्सी को। लास्ट टाइम हमने ईसीसी की एक जर्सी पे रिव्यू किया था जिसमें हमें काफी अच्छे कमेंट और रिस्पांस आए थे। सो उसी बेस पे हमने ईसीसी के लेटेस्ट 2022 के डिजाइन को हमने प्री बुक किया था। फाइनली ये प्री बुक हमें मिल चुका है। और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप अपने टीम के लिए एक कस्टमाइज जर्सी बनवाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्प होने वाला है। तो इस वीडियो में आगे बने रहिए, मैं आपको बताने वाला हूँ उस कस्टमर जर्सी में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। डेंटाडान, ये है हमारी ईसीसी की जर्सी, फाइनली हमें ये मिल चुकी है। तो सबसे पहले चलिए हम इसको अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं इसमें हमारी जर्सी कैसे क्या है। ये दो जर्सी को मैंने प्री बुक की थी, एक ये मेरी जर्सी है और एक ये मेरे छोटे भाई की जर्सी है। इस जर्सी में जो मुझे सबसे बेस्ट चीज लगी है वो है कस्टमाइजेशन। आप जैसे चाहे वैसे आप अपने हिसाब से जर्सी को बनवा सकते हो। जैसे मैंने इस कंपनी को मैंने बोला था कि यहाँ पे यूट्यूब चैनल का मेरा लोगो आप देख सकते हो, ये मेरा क्रिकेट बायो का लोगो है और मैंने अपने जर्सी पे पीछे मेरा नाम लिखवाया था, आप देख सकते हो यहाँ पे महेंद्र लिखा हुआ है। ये आपके सारी कस्टमाइजेशन में आ जाती है। और आप चाहते हो कि आपका जो टीम है, जैसे एग्जांपल आपकी जो टीम है वो समझो मेरी टीम 2017 में फाउंडेशन हुई थी, तो आप अपने यहाँ पे टीम का फाउंडेशन डेट भी लिख सकते हो। ये हमारा रोमेन में लिखा हुआ है जो MMX और LL के हिसाब का स्टैंड करता है 2020-70। ये सारी चीज़ें आप कस्टमाइजेशन में अपनी जर्सी में लिखवा सकते हो, करवा सकते हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपकी टीम फाउंड हुई थी 2017 को, आज आपकी टीम को समझो 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस 5 साल को डिफाइन करने के लिए कंपनी ने 5 कलर आपके जर्सी में इंक्लूड किए हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया आपके टोटल 5 कलर, जो 5 कलर आपको डिफाइन कर दे कि आपकी टीम को 5 ईयर्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। इनकेस आपकी टीम को अगर 2 ईयर कंप्लीट हुए तो 2 कलर वाली जर्सी भी अवेलेबल है और आपको कंपनी और एक येलो कलर में भी ऑप्शन अवेलेबल है। इनकेस किसी को ये कलर नहीं पसंद है तो येलो कलर में आप अपनी जर्सी बनवा सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं जर्सी का फैब्रिक कैसा है। इस जर्सी का फैब्रिक जो है ये एक काफ़ी वेदर कूल है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जर्सी का फैब्रिक जो है वेदर कूल है। तो वेदर कूल होता है क्या, जब भी हम जर्सी को पहनेंगे तो हमें कूल सी फीलिंग होती है। होता क्या है कि हम जो चीप क्वालिटी की जो जर्सी पहनते हैं उसे हम पहनने के बाद एक हीट सा हमारे बॉडी में फील होता है। वो होता क्यों है, क्योंकि वो चीप क्वालिटी का पॉलिस्टर होता है। बट ये काफ़ी वेदर कूल वाला फैब्रिक है जो काफ़ी कूल फील करेगा अपने बॉडी को। तो ईसीसी कंपनी दावा करती है कि इसकी जर्सी का जो फैब्रिक है वो काफ़ी हद तक आपका पसीना अब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस चलिए इसको हम देख लेते हैं। इसके लिए मैं आपको एक स्विफ्ट टेस्ट करने वाला हूँ। स्विफ्ट टेस्ट करने के लिए मैंने एक ग्लास में पानी ले लिया है, इस पानी को मैं जर्सी पे गिरा के देखने वाला हूँ। तो चलिए मैं पानी गिरा रहा हूँ, देख लीजिए इस तरह से आपका पसीना आएगा। और आप यहाँ पर जर्सी में देख सकते हो पसीना जो पानी है इतना आपको दिख नहीं रहा है, आपको कैमरे में आप देख सकते हो पानी दिख नहीं रहा है। तो काफ़ी हद तक इसने जर्सी का जो फैब्रिक है पूरा पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब जब भी आप खेलोगे ग्राउंड में तो आपको पसीने का टेंशन नहीं लेना है, आपके जो जर्सी का फैब्रिक है वो उसको मैनेज कर लेगा एब्जॉर्ब करके। तो अब होता है क्या है कि जब भी प्लेयर ग्राउंड में खेलता रहता है उसकी बॉडी काफ़ी हीट हो जाती है। इसी पॉइंट को मुझे ध्यान में रखिए, इस जर्सी की एक काफ़ी चीज़ अच्छी लगी है वो है इस जर्सी में पीछे देख सकते हो एयर वेंटिलेशन दी हुई है दोनों साइड में। एयर वेंटिलेशन क्या करता है, जब भी प्लेयर खेलता रहता है उसके पीछे से उसकी गर्मी बाहर निकलती रहती है बॉडी की। तो और ये एयर वेंटिलेशन जो दिया जर्सी के पीछे साइड में दिया है, तो उसका बेनिफिट क्या हो रहा है कि जर्सी की कोई लुक को भी कोई डिस्टर्ब नहीं हो रही है, जर्सी एकदम परफेक्ट दिख रही है और ये आपकी बॉडी भी वेंटिलेट होती जा रही है। इस जर्सी में जो ये कॉलर, ये चाइनीज कॉलर है जिसे हम स्पोर्ट्स कॉलर भी कहते हैं, ये कॉलर भी कस्टमाइजेबल है। तो अगर इनकेस आपको चाहिए कि मुझे कॉलर ये नहीं चाहिए, मुझे कोई दूसरी कॉलर चाहिए, तो ईसीसी वो भी आपको प्रोवाइड करती है। इस जर्सी के जो फैब्रिक की स्टिचिंग जो दिख रही है देखने पे तो काफ़ी अच्छी लग रही है क्वालिटी, जिसमें काफ़ी स्ट्रेच करने पे भी ये इतना हिल नहीं रहा है, मतलब स्टिचिंग काफ़ी बेस्ट क्वालिटी की है। आप जर्सी पे देख सकते हो राइट साइड में कंपनी ने अपनी ब्रांडिंग की हुई है ईसीसी, और ईसीसी के ऊपर आपने ईसीसी कंपनी ने अपना क्राउन लगाया हुआ है। और उनकी जो पुरानी ब्रांडिंग है वो यहाँ पे की हुई है, और मे बी कंपनी चाहती है कि जो नई ब्रांडिंग है लोग उसको आफ्टर कुछ टाइम के बाद लोग उनको इनके कुछ इस क्राउन से भी लोग आइडेंटिफाई करें, मे बी कंपनी का ये विजन है। ये हमारा ईसीसी का बॉटम वियर है। इस बॉटम वियर का जो इलास्टिक है काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है, एंड इसका जो फैब्रिक और ये स्टिचिंग है ये भी काफ़ी प्रीमियम है। और ये बॉटम वियर में कंपनी ने यहाँ पे ब्रांडिंग की हुई है कुछ ईसीजी लिख के और अपना लेटेस्ट वाला क्राउन, और इसी को हमने बैक में भी कंपनी ने ये ब्रांडिंग की हुई है जो लेटेस्ट वाला क्राउन है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये दोनों साइड के लेग में दिया हुआ है और ये नॉर्मल ब्रांडिंग नहीं है, ये जब भी इस पर आपको लाइट डालोगे तो ये रिफ्लेक्ट करता है और ये एक टाइप का शाइनिंग करेगा।
तो चलिए अब देख लेते हैं जर्सी का प्राइस क्या है। ये जर्सी मुझे पड़ी थी 1999 में और मैंने इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके जर्सी बुक किया था। इन केस किसी को ऑर्डर करना है तो ये नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकता है और ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए। और ये चलिए अब मैं फाइनली मैं जर्सी को पहन के भी दिखा देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हो जर्सी काफ़ी स्पोर्टी लुक दिख रही है। तो ये चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपको कहीं भी क्वेरी और कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको कमेंट का रिवर्ट करके आपको हेल्प करने की ट्राई करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक की और किस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो।